रिसेंटली साउथ अफ्रीका में इंडिया अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीतने से चूक गया और उसके अगले ही दिन विराट कोहली ने एक ट्वीट किया जहां उन्होंने अनाउंस किया कि वो इंडिया की टेस्ट कैप्टेंसी छोड़ रहे हैं। दिस डिसीजन कम्स आफ्टर ही गेव अप इंडियाज T20 कैप्टेंसी एंड वॉज देन रिप्लेस्ड एज इंडियाज ODI स्किपर बाय रोहित शर्मा। नॉट सरप्राइजिंगली कोहली एंड हिज कैप्टेंसी हैव ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ कॉन्वर्सेशंस विद फ्रेंड्स फैमिली एंड कॉलीग्स एंड ऑफ कोर्स ह्यूज डिबेट्स ऑन नेशनल टेलीविजन दैट इज विराट कोहली अ गुड कैप्टन। जो काम किया है विराट ने रेड बॉल क्रिकेट में वो उसका कोई मुकाबला ही नहीं। I have nothing against Virat Kohli, but someone somewhere down the line he needs to put his hand up and say yes, I am responsible. और अगर आपको लगता है कि you don't have a straightforward answer to this debate, don't worry, probably no one has. But today let's just try. सबसे पहले बात करते हैं कोहली की बैटिंग की। हम सब ने सुना है और देखा भी कि कैसे महान बल्लेबाजों की बैटिंग परफॉर्मेंसेस कप्तानी के प्रेशर में आके थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। कोहली की कहानी पूरी उल्टी। कैप्टेंसी सूट्स हिज गेम एंड दिस इज विजिबल इन हिज बैटिंग रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग हिज कैप्टेंसी। एज यू कैन सी टेस्ट और ODI में कोहली का एवरेज एज इंडियाज कैप्टन इज मच हायर व्हेन कंपेयर्ड टू व्हेन ही वाज प्लेइंग जस्ट एज अ बैटर। दैट इज सम इंप्रूवमेंट एंड सम माइट से दैट दिस कोइंसाइडेड विद हिज नेचुरल ग्रोथ एज अ बैट्समैन। But at the end of the day, there's enough data to suggest that Kohli didn't let captaincy affect his batting adversely, जो कि एक काफी बड़ा concern रहता है। इस वीडियो के recording के time Kohli की 70 international centuries हैं, उसमें से 41 तब आई हैं जब वो captain रहे हैं। So Kohli has ticked one box, a massive one at that. But what about the team's performance with Virat at the helm? Let's first talk numbers. To say the least, Kohli का record as test captain is impeccable. The only captain to lead the Indian test team in 10 or more matches. And have a win percentage of over 50. Dada और धोनी भी अचीव नहीं कर पाए। In ODIs, Kohli का winning percentage 65% से ज़्यादा का है। Again, higher win percentage than both Dhoni and Dada. Even in T20Is, it's pretty decent. But these are just numbers right now. इनकी actual significance समझने के लिए आपको जानना होगा इन wins को, specially overseas wins को। So I'll start. T20I series wins in New Zealand, England and Australia. A historic 9-0 white wash of Sri Lanka in 2017 across all the formats. Caribbean mein West Indies ka white wash in 2019. ODI series win in South Africa, Australia and New Zealand between February 2018 and January 2019. Test rankings mein 42 mahine top par rehna. World Test Championship cycle ke khatam hone pe bhi number 1 rank rehna. Aur haan, ye kaise bhool sakte hain? The first test series win in Australia in 2018-19. और 2021 में इंग्लैंड में खेली गई पटौदी ट्रॉफी में भी वी आर लीडिंग 2-1। दीज आर सम सीरियस अचीवमेंट्स एंड दे ऑल केम अंडर कोहली डिस्पाइट हिम बीइंग वन ऑफ द अनलकीस्ट कैप्टन्स व्हेन इट कम्स टू विनिंग टॉसेस। कोहली की कैप्टेंसी में एक और चीज रेगुलरली देखने मिलती है जो दूसरे इंडियन कैप्टन्स की टीम में कंसिस्टेंट बेसिस पे नहीं दिखी। वो था टेस्ट प्लेइंग 11 में 5 जेन्युइन बॉलर्स। जब वो फुल टाइम टेस्ट कैप्टन बन गए तो अपने पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 5 जेन्युइन बॉलर्स लिए, ईशांत शर्मा, उमेश यादव, वरुण एरन, आर अश्विन और हरभजन सिंह। यस, 5 जेन्युइन बॉलर्स। कोहली टीम में एक फिटनेस कल्चर भी लेके आए जिसकी वजह से बॉलर्स बिकेम द बेस्ट वर्जन्स ऑफ देमसेल्व्स। लेट्स टेक ईशांत शर्मा फॉर एग्जांपल। विराट कोहली के फुल टाइम टेस्ट कैप्टन बनने से पहले ईशांत शर्मा का 61 मैचेस में 37.3 का एवरेज था, पर 2015 से कोहली की लीडरशिप में ईशांत शर्मा का 44 मैचेस में एवरेज है सिर्फ 25। ये 5 बॉलर थ्योरी से एक और बात साबित हुई कि कोहली वॉज फियरलेस बिकॉज ही वॉज रेडी टू सैक्रीफाइस बैटिंग डेप्थ टू इंक्रीज इंडियाज चांसेज ऑफ पिकिंग अप 20 विकेट्स। और वही हुआ। ESPN क्रिक इन्फो के अनुसार कोहली की लीडरशिप में इंडिया टुक 20 विकेट्स ऑन 22 ओकेशंस आउट ऑफ अ पॉसिबल 35 इन ओवरसीज टेस्ट मैचेस। नाउ दिस इज एन अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट इन इंडियन क्रिकेट। साथ ही साथ 1990 से कोहली की टीम के अलावा कोई भी दूसरी इंडियन टीम का बॉलिंग एवरेज 30 से कम और बॉलिंग स्ट्राइक रेट 60 से कम नहीं रहा। ये मैं और आप तो अब तक समझ गए होंगे कि कोहली का अप्रोच टुवर्ड्स द गेम बाकी इंडियन कैप्टन्स के मुकाबले काफी अलग रहा है। फॉर इंस्टेंस, इन हिज फर्स्ट टेस्ट एज अ कैप्टन उन्होंने फर्स्ट चॉइस आर अश्विन को ड्रॉप किया और डेब्यूटेंट कर्ण शर्मा को पिक किया। कोहली का मानना था कि रिस्ट स्पिन विल ब्रिंग क्विकर विकेट्स देन फिंगर स्पिन ऑन ऑस्ट्रेलियन पिचेस एंड हिज फियरलेसनेस इज सीन इन द वे ही बैटेड इन द फोर्थ इनिंग्स। उस मैच को जीतने के लिए कोहली केप्ट ऑन प्लेइंग अग्रेसिव शॉट्स इवन आफ्टर इंडिया लॉस्ट ऑल द रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन। जबकि इंडिया उस मैच को ड्रॉ करवा सकती थी, बट कोहली वांटेड टू गो फॉर अ विन एंड इंडिया फेल जस्ट शॉर्ट। विराट कोहली की यही क्वालिटीज उनकी कैप्टेंसी को डिफाइन करती है, जो है इंपल्सिव सिलेक्शंस, प्रेफरेंस ऑफ अग्रेसिव ऑप्शंस एंड ऑलवेज विलिंग टू रिस्क डिफीट इन द परस्यूट ऑफ अ विन। दैट्स नॉट टू से दैट ऑल वाज हंकी डोरी।
Kohli did have an issue with the then India coach Anil Kumble, and at times his team selections were debatable, to say the least. And even though he's one of the most successful captains of India, the one thing that India didn't achieve under him was winning an ICC tournament. Par kehte hai na, ek player ki greatness sirf cups or trophies decide nahi kar sakti. Now, Kohli won't be leading India, and hum sab already apne captain Kohli ko miss kar rahe hain. But the fitness culture, the aggression, looking the opposition in the eye, the win at all costs attitude that he brought will remain with the team for years to come. Kohli ki captaincy ke bare mein R. Ashwin ne bilkul sahi kaha. Cricket captains will always be spoken about with respect to their records and the kind of triumphs they managed. But your legacy as a captain will stand for the kind of benchmarks you have set. Well done, Virat Kohli, on the headache you have left behind for your successor, and that's my biggest takeaway from your stint as captain. We must leave a place at such an altitude that the future can only take it higher from there on.